अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ढोकला बनाते हैं, आइए देखते हैं ढोकला बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान यूज़ करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 250 ग्राम हमने बेसन लिया है, यानी चने का आटा लिया है, और इसको छन्नी से छान लिया अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। ये देखिए, हमने नमक ले लिया है, अरे थोड़ा शुगर ले लिया है, ये नारियल का पाउडर है, ये वाइट बाउल में मैंने रख दिया है इसलिए वो दिख ही नहीं रहा है कि नारियल रखा हुआ है। ये एक पैकेट इनो है, और कब को क्या इस्तेमाल करना हो अभी हम बनाते वक्त आपको दिखाएंगे। ये देखिए कुछ करी पत्ते हैं, 10 से 15 करी पत्ते हैं, और 4 हरी मिर्च है, और मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, राई, ये सब हम बघार में यूज़ करेंगे। ये लेमन फूल है, ये आसानी से बनिया की दुकान में मिल जाता है, और ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा। ये देखिए, अब प्याले से हम नाप के माप ले लेते हैं। 2 प्याला हमारा भर भर के ये बेसन है, यानी 250 ग्राम हमारा 2 बॉल पूरा भर के है। और देखिए, जब तक हम रख देते हैं इधर अपने भगवने में पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए, बीच में हमने स्टैंड रख दिया है। ये थाली में हमने अच्छे से तेल से इसको ब्रश की मदद से ग्रीस कर दिया है, ताकि ढोकला हमारा एकदम अच्छे से निकले, खमन चिपके नहीं। अब इसको रख देते हैं, देखते हैं, चलिए उधर। हाँ, अपने बेसन को इसका बैटर तैयार करते हैं। इसमें हमने 1 प्याला पानी डाल दिया है, और अभी पानी डालेंगे, यानी 1.5 बाउल पानी हमने ऐड किया है, अगर ज़रूरत लगी तो और डालेंगे। अभी एक साथ ही हम पूरा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ढोकला का बैटर पतला हो गया तो फिर वो अच्छा बनेगा नहीं। देखिए, पानी की हमें और ज़रूरत है, इसलिए समझ लीजिए कि 2 बाउल पानी हमने ऐड किया है, जितना हमारा बेसन था उतना ही हमारा पानी भी है। अब देखिए, शक्कर ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। अब इसको भी थोड़ा चलाएंगे ताकि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए और सब जगह मिक्स हो जाए अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन फूल, इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, वो हमने 1.5 चम्मच डाल दिया है, और सोडा भी हम डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम ही डाला हमने, क्योंकि इनो भी हम डाल रहे हैं इसलिए सोडा थोड़ा कम डाल रहे हैं। और सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि खूब अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए। अब देखिए, ये ऑयल डाल देते हैं हम 1 चम्मच, ये रिफाइंड ऑयल है, 1 चम्मच हमने ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, हमने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। अब सब चीज़ों को एकदम अच्छे से अपने बैटर को हिलाएंगे, ताकि हर जगह नमक है, सोडा है, सिट्रिक एसिड, जो भी डाला हमने, ऑयल, सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में हम डाल देंगे इनो। देखिए, उधर हमारा बिल्कुल थाली भी गर्म होकर एकदम तैयार है, इनो डाल दिया। अब इसको हम बैटर को हाथ से अच्छी तरह हिलाएंगे। देखिए, जैसे ही इनो हमने डाला है, ये फूक के कितना स्मूथ, एकदम पूरा पतीला भर गया हमारा। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे थाली में। हाँ, थाली में डाल दिया हमने, और इसके वो अब हम ढक देंगे, फुल फ्लेम पे कर देंगे चूल्हे को, फ्लेम को फुल फ्लेम पे कर देंगे, और अपने ढक्कन के ऊपर एक अच्छा कपड़ा कॉटन का लगा कर, ताकि इसकी स्टीम जो है वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए, वो थाली के ऊपर ना जाए। अगर ये कपड़ा आप नहीं लगाएंगे ढक्कन के ऊपर, तो पूरा स्टीम जो है, अक्सर ऐसा होता है कि स्टीम बहुत ज़्यादा बनती है तो अपने ढोकले के ऊपर, खमन के ऊपर आ जाता है, तो गीला गीला लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये लगाएंगे ताकि स्टीम बाहर भी ना निकले। और इसको हमने 25 मिनट तक
पकाया है 10 मिनट फास्ट आंच पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर। और देखिए अब मैंने बाहर निकाल दिया है। इधर हम तड़के के लिए एक भगोने में, छोटे से भगोने में ऑयल डाल दिया हमने 2 चम्मच, और उसमें राई डाल दिया है। राई जैसे ही चटक जाएगी इसमें डाल देंगे नमक। नमक ऐड कर दिया, उसमें थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे अभी। देखिए थोड़ा सा शुगर भी डाल दे रहे हैं, ये 1/2 टेबल स्पून शुगर है। अच्छा थोड़ा हल्दी भी डालेंगे, 1 पिंच हल्दी ऐड कर दिया, थोड़ा सा कलर अच्छे से आ जाए, क्योंकि बैटर में हमने हल्दी नहीं डाला हुआ था, क्योंकि हमें ऊपर से ही तड़के के साथ में कलर देना है, उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें डाल दिया हमने कड़ी पत्ता और मिर्चों को, हमने एक एक मिर्ची में से मैंने 3-4 टुकड़े ऐसे बीच में से चीरा लगा के कर दिया था। इसमें डाल दिया है करीबन 1/4 गिलास पानी। अब इसको गैस को हम बंद कर देते हैं। इधर देखिए इसको हम कट लगा देते हैं अपने थाली के अंदर ढोकले को। देखिए इस तरीके से हमने कट लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर अपना जो तड़का बनाया है हमने वो अच्छे से सब तरफ फैलाते हुए अच्छे से डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लुक दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा हमारा एकदम स्पंजी ढोकला बन के तैयार हुआ है। मैं इसको अभी डिश आउट करके आपको डिश में रख के आपको हाथ में लेकर आपको दिखा दूँगी। देखिए कितना देखने में टेस्टी यम्मी दिख रहा है, आपको खुद ही टेस्ट का पता चलेगा। और ये खोपरे का जो पाउडर नारियल का चूरा था वो हमने ऊपर से देखिए डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत टेस्टी दिख रहा है। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नए नए हैं मेरे चैनल पर, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला, आप भी मेरे इस तरह आप ज़रूर बनाइए और उसका टेस्ट लीजिए। अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस तरह बनाया तो आपका कैसा बना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।